हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10 के सेट 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 के साइंस के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी से उठाया गया है, एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग सॉल्व करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज क्या होता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो आप देखे होंगे कि कन्वेक्स मिरर से हमेशा जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इरेक्ट। ऑलवेज क्या बनता है, सीधा वो बनता है। ठीक, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ लेंस पी इक्वल टू होता है 1/f फोकल लेंथ इन मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है, पर मीटर, या बोल सकते हैं इसका साइंटिस्ट नाम खोजे थे डाप्टर, तो इसका पढ़ा हम डाप्टर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलर्ड पोर्शन ऑफ आई इज कॉल्ड, कलर्ड पोर्शन जो आई आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, इरिस। क्या कहते हैं, आयरिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन कूलम प्रेजेंट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ईच, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, 10⁻¹⁹ आपको कुछ दिख रहा होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम इज यूनिट ऑफ, ओम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का। आर इज इक्वल टू क्या होता है, V/I को लिख सकते हैं क्या, इसका होता है वोल्ट, वोल्ट पर एम्पियर को ही नाम ओम्स ने खोजे थे, तो इसका ओम पड़ गया। ठीक है, तो ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी, मीन कि शरीर में जो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देखे होंगे कि सुक्रोज और ग्लूकोज, हम लोग के जो होता है सुक्रोज होता है, शुगर होते हैं, वो शुगर क्या करते हैं, टूटते हैं छोटे छोटे अंग, और वहाँ से एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिकम्पोज रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होंगे, डिकम्पोज रिएक्शन होंगे। ठीक है, कि विच टाइप, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ए डाइजेशन ऑफ फूड बॉडी, तो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएंगे, वियोजन हो जाएंगे। समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेम दी बेस सोलूबल इन वाटर, वैसा बेस को क्या बोलेंगे, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, अल्कली क्षार। ठीक है, अल्कली मेटल कौन कौन आते हैं, सोडियम पोटासियम लिथियम। ठीक है, ये सब जो आते हैं वो क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं, ये समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The pH value of acidic solution is, तो acidic solution का pH मान क्या होता है, तो हम जानते हैं ये क्या, less than 7 हुआ, pH value less than 7 हुआ, तो ये acidic कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये acidic कहलाएंगे। अगर greater than 7 हुआ तो base कहलाएंगे, अगर is equal to 7 हुआ, equal to 7, तो ये मेरा neutral salt कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, less than 7 होंगे, 7 से कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कि विच मेटल, कौन मेटल, कौन धातु, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव व्यवस्था में पाया जाता है। तो क्या, मरकरी। वही नन मेटल पूछता, विच नन मेटल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, नन मेटल, तो ब्रोमीन होता, ये समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अनसेचुरेटेड कार्बन, अनसेचुरेटेड कार्बन किसको कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो क्या फार्मूला क्या होना चाहिए, CnH2n या CnH2n प्लस सॉरी माइनस 2 होना चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला वाला ये दिख जाएगा CC। ठीक है, दो कार्बन दे दिए, एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे, देखिए डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया,
तो ये क्या हो गया, इथिन जो है आपका अनसैचुरेटेड कार्बन है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि ए पर्सन हु कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली शुड यूज ए लेंस। जो मनुष्य या व्यक्ति दूर का नहीं देख सकता और नज़दीक का देख सकता है उसको कौन बीमारी हुआ होता है, कौन इसको मायपिया हुआ रहता है, मायपिया, ठीक है, मायपिया। और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कनकेव लेंस, कनकेव लेंस यूज करते हैं ठीक करने के लिए। क्या करता है, वो डाइवर्स करके वो रेटिना पे फिर इमेज बनाता है, समझ आ गया। दूर को देखने के लिए हम लोग कौन लेंस, कनकेव लेंस यूज करते हैं, जिसको मायपिया हो रहता है उसको कनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। जिसको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता है वो कनकेव लेंस लगाने लगे तो उसको सही से दूर का ऑब्जेक्ट दिखने लगता है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी करेंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू। तो ओम्स लॉ बोले थे कि डायरेक्टली आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस या बोल सकते हैं वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या बोल सकते हैं वोल्टेज, वोल्टेज, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच द प्रोपोर्शन ऑक्सीजन। तो रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन का डिक्रीज होता है और हाइड्रोजन का इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन ऑक्सीजन लेस या डिक्रीज, कम हो जाता है, क्या होता है, ऑक्सीजन डिक्रीजेज, पोर्शन प्रोपोर्शन ऑक्सीजन क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, आयनिक कंपाउंड हैव डेस मेल्टिंग पॉइंट। तो हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होता है आयनिक बॉन्ड से बने हुए रहते हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है, सबसे मजबूती बॉन्ड होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट पिघलाने का गलनांक जो होता है बहुत हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका हाई होता है। तो आयनिक कंपाउंड के पास क्या होगा, हाई हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये समझ में आया होगा ये। और ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के बुक पढ़ें, आपका ज़्यादा एग्जाम में बनेगा क्वेश्चंस। ऑल दी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, अच्छे से तैयारी करो और थैंक यू।